गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है मैं सबसे पहले आप सबों को डीसी अमौर में स्वागत करता हूँ। अब जो है आज जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता को आगे करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग नगर नियोजन प्रणाली देखे थे। नगर नियोजन प्रणाली के अंतर्गत सड़क व्यवस्था देख चुके थे। तो सड़क व्यवस्था के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं जल निकास प्रणाली। तो क्या ये जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार थी, क्योंकि ये चूंकि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कही गई है। तो नगरीय सभ्यता में क्या होता है कि हर चीज अच्छी होती है, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, या फिर जल निकास की प्रणाली हो, या फिर सड़क व्यवस्था हो। तो सारा का सारा क्या होता है कि हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें गांव और नगरों में क्या अंतर होता है, क्योंकि नगर में क्या होता है सारा कुछ अच्छे ढंग से आपको सुविधा मिल जाएगी, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं मिलता है। इसलिए हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हो, सभी व्यवस्था थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की प्रणाली काफी अच्छी ढंग से बनाई गई थी, काफी सरल ढंग से बनाई गई थी, और पानी का जमावड़ा नगर में नहीं होता है। आज क्या होता है, आज के युग में देखते हैं कि अधिकतर जो बड़े बड़े शहर है वहां पे बरसात, थोड़ी सी बारिश होती है और नगर जल पानी ही पानी वहां पे जमा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे कैसे बनाई जाती थी इसको हम थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक उदाहरण के रूप में देखिए क्या, एक ये छोटा सा घर है, और घर में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए घर में क्या होगा, रसोई घर होगी, क्योंकि रसोई घर में अगर खाना बनेगा तो उससे पानी भी इसमें क्या होगी, निकलेगी। उसके बाद स्नानागार होगा, लोग स्नान तो डेली करेंगे जिसमें भी पानी की जरूरत होगी। इसके बाद शौचालय, तो इन यानी कि बहुत सारे ऐसा चीज होता है कि जो कि पानी प्रतिदिन हम लोग प्रयोग करते हैं और हद से ज्यादा भी कभी कभी खर्चा कर देते हैं। अब बात होती है कि इसको निकालने के लिए क्या व्यवस्था की गई। तो निकालने के लिए देखिए ये लोग घर में क्या करते थे, घर में सबसे पहले अभी भी देखते हैं कि सब क्या होता है कि घरों में नाला बनाया जाता था। ये नाले के माध्यम से ही क्या कर दिया जाता था, नाले के माध्यम से अगर गली है आपके बगल में तो मान के चलिए ये गली है, तो गली के माध्यम से ये गली हम बना देते हैं, ये गली है, और गली से क्या होता था धीरे धीरे ये फिर जो है मुख्य सड़क, ये मेरा मुख्य सड़क है। तो मुख्य सड़क में भी क्या होती थी, नाली बनी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये भी एक नाला के माध्यम से हम लोग क्या होता था, ये बड़े बड़े नदियों में आके मिल जाती थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकास प्रणाली थी, नगरों की जो निकास प्रणाली हो रही थी वो काफी ही अच्छी ढंग से हो रही थी। देखिए हम मैं बता रहा हूँ डॉट डॉट करके, यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये घर है, ये मैं घर का फिगर है, घर से निकला ये गली वाले नाले में ये नाला है। इसके बाद मुख्य सड़क है, ये भी क्या है गया नाला हो गया। तो देखिए इस प्रकार से देखिए पानी क्या हो रहा है कि बाहर निकल के कहाँ पे मिल जा रही है, नदियों में मिल जा रही है। अब इसको सफाई करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए क्या होता था, साफ सुथरा करने के लिए इसमें बीच बीच में मेन हॉल बना दिया जाता है, यानी कि इस प्रकार से बना दिया जाता था छेद टाइप में गोल करके, और उसको ढक दिया जाता था। और ढकने के बाद जो है ये क्या होता था ताकि बीच बीच में हम लोग क्या करें इसकी सफाई करते रहे, अगर सफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर पानी का जमावड़ा हो जाए। तो इसके लिए अब ये लोग क्या करता था बाहर निकल जाती थी। अब ये जो बनी हुई होती थी कहता है कि ये वहां की पक्की ईंटों की बनी होती थी, नाला जो बना होता था पक्की ईंटों की बनी होती थी, और साथ ही साथ क्या हो रहा था यहाँ पे अब मिट्टी भी, जो सड़क होती थी सड़क तो मिट्टी की भी रहती थी और ईंट की भी बनी होती थी। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग जल निकास प्रणाली जो है हड़प्पा सभ्यता का काफी ही अच्छी ढंग से थी, सरल ढंग से थी, ताकि क्या हो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन वर्तमान में क्या देखते हैं, वर्तमान में बड़े बड़े नगरों में पानी का जमावड़ा हो जाता है बारिश के दिन में, क्यों, क्योंकि वहां पे समुचित ढंग से व्यवस्था नहीं की गई है। तो आगे नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे तीसरा इसमें हमारा स्नानागार, स्नानागार। तो देखिए अब स्नानागार यहाँ पे कहता है कि मोहन जोदड़ो से क्या हुआ था, एक विशाल स्नानागार मिला हुआ था। क्यों मिला हुआ था, क्या है मिला हुआ था, कि इसकी क्या भूमिका रही होगी। कहता है कि विशाल स्नानागार जो मिला हुआ था इस आकृति का बना हुआ था। स्नानागार का मतलब होता है स्नान करने वाला, छोटा मोटा स्नानागार सबके घर में होता था, लेकिन ये बड़ा टाइप का स्नानागार था। तो ये बड़ा स्नानागार था तो क्या था उसके बारे में देखते हैं। कहता है इधर हम लोग डिनोट कर रहे हैं, मैं समझाने के लिए इधर पूर्व है, इधर पश्चिम,
और इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो देखिए अब जो हम लोग इसके स्नानागार की क्या खासियत थी उसको देखेंगे। कहता है कि ये जो थी स्नानागार की लंबाई जो थी 39 फुट ये लंबा था, 39 फुट ये लंबा था, 8 फुट जो है कि ये गहरा था। इस प्रकार से क्या था, ये स्नानागार जो है काम कर रहा था। और हम लोग देखते हैं कि लगभग जो है 39 फुट, उसके बाद 23 से 24 फुट जो है ये चौड़ा होता था और गहरा जो होता था 8 फुट का होता था। ये 8 फुट का ये क्या होता है, इसकी गहराई होती थी। तो देखिए 39 फुट ये लंबा है, तो ये इस प्रकार के एक विशाल जो है स्नानागार हमको मिला हुआ है। तो मिलने के बाद कहता है कि इस साइड में उत्तर की ओर सीढ़ी बनी हुई होती थी और दक्षिण की ओर भी क्या होता था, सीढ़ी बना हुआ होता था। ये सीढ़ी जो बना होता था इसमें उतरने के लिए, मतलब स्नानागार में उतरने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई थी। और देखिए अब मैं बता रहा हूं स्नानागार का क्या आता है ऊपर में। ये स्नानागार का ऊपर वाले भाग में क्या हो रहा था, ये ऊपर वाला जो भाग था यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे क्या होता था कमरा वगैरह होता था, कमरा रखा जाता था। यहाँ पे मान के चलिए कमरा बना दिया गया। क्यों कमरा बनाया गया था, इस कमरा के माध्यम से लोग जो भी कपड़ा वगैरह जो यूज करते थे उसको यहाँ पे बदलने का काम किया जाता था। अब लोग क्या करते थे, या तो इधर से दक्षिण साइड से, और ये बनी जो हुई थी इसमें पानी में जाने के लिए, मतलब स्नानागार में जाने का ये रास्ता था। इधर एक साइड से जाना है, एक साइड से हमको क्या करना है, बाहर निकल जाना है। तो ये स्नानागार का क्या था, बेस्ट क्वालिटी को दर्शाया गया है किसमें, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार के अंदर। अब बात आती है ये चीज बनी क्या चीज की होती थी, ये जो होती थी ये बनी होती थी हमारे यही ईट, ईट के जो होता है ईट का फर्श बना दिया गया था, उसमें चारकोर बन ईट और साथ में इसको जो है चारकोर यानी कि ब्रैकेट में अलकतरा से इसको क्या कर दिया जाता, लेप दिया जाता था। अलकतरा से इसलिए लेपा जाता था ताकि क्या हो सके, पानी जो है गंदा ना हो सके। पानी गंदा नहीं होगा तो क्या होगा, तब स्नान करने में इसको सुविधा होगी। अब जो है इसी के एक कोना में क्या होता था, एक कुआं बनी हुई होती थी। क्यों, एक साइड में यहाँ पे मैं कुआं लिख रहा हूँ, इसमें कुआं बनी होती थी और कुआं से क्या होता था, पानी को अंदर डाला जाता था और इस साइड में एक छिद्र होता था साइड में, और इस छिद्र से पानी को बाहर निकाला जाता था। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, इधर से कुआं से हम लोग साफ पानी इसमें देंगे और साफ पानी देने के बाद क्या होगा, इधर से जो गंदा वाला पानी होगा वो पानी इधर से निकाल दिया जाएगा। तो ये था स्नानागार जो कि क्या करता था, दिखाता था कि एक प्रकार का कैसा है, हड़प्पा सभ्यता में उच्च क्वालिटी का, उच्च कोटि का था। अब बात आती है कि ये क्यों किया जाता था, क्यों स्नानागार बनाया गया। ये कहता है कि ये बड़ा जो विशाल स्नानागार बनाया गया है ये अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था, अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था, अनुष्ठान बड़े बड़े पर्व त्योहार वगैरह जो होते थे इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा होता था। क्योंकि पर्व त्योहार या फिर किसी भी यज्ञ हवन वगैरह कर किया जाता था तो उसमें आदमियों की संख्या ज्यादा होती थी, ज्यादा होने के कारण एक विशाल सा स्नानागार बना दिया जाता था ताकि लोग इसमें आए स्नान करें, और स्नान करने के बाद जो है विधि विधान के द्वारा जो है अपने आप को स्वच्छ होते हुए नेक्स्ट काम करें। तो ये अनुष्ठानों के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग किया गया था, किसका, तो विशाल स्नानागार का। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन में हम लोग स्नानागार के बारे में देखे जो कि उच्च क्वालिटी की बनी हुई थी, ये खास करके मोहनजोदड़ो में निकला हुआ था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जल निकास प्रणाली भी उच्च कोटि की थी, उसके बाद स्नानागार भी उच्च कोटि की देख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें बताया गया था ईंट के बारे में, तो क्या नगरीय सभ्यता में ईंट थी, वास्तविक रूप से अगर ये नगर था तो नगर में तो ईंट होगा ही। जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी की तुलना में कि नगरों में क्या होता है, क्या पक्का मकान होता है, लेकिन शहरों में हम लोग झुग्गी झोपड़ी वगैरह भी देखा जाता है, झोपड़ी वगैरह या फिर फूस का घर देखने के लिए मिलता है, लेकिन शहर में ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पे भी जो शहर व्यवस्था हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्या यहाँ पे ईंट था, तो ईंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि ईंट में वहां क्या क्या हुई थी। कहा जाता है ईंट भी वहां पे मौजूद थी, लेकिन ईंट किस प्रकार की काम करती थी, कैसे कैसे, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए ईंट के बारे में ईंट देख लेंगे, उसके बाद अन्नागार देख लेंगे, चौथा पॉइंट हम लोग ईंट पढ़ेंगे।
मिटा देता हूँ। चलिए ईट देखते हैं, ईट के बारे में रोचक तथ्य क्या है, ईट के बारे में क्या होता है। देखिए हरप्पा सभ्यता में, हरप्पा सभ्यता में क्या होता था, ईट क्या होती थी। तो ईट जो अभी भी हम लोग प्रयोग करते हैं घर बनाने में, मकान बनाने में, उस समय भी क्या मकान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था, नल में प्रयोग किया जाता, मतलब बहुत सारे काम होते हैं इससे। तो देखिए ईट जो होता था, अब बात आती है कैसे होती थी, ईट होती थी मिट्टी की, और मिट्टी की जो होती थी ये पकी हुई होती थी। क्या होती थी, पकी हुई होती थी, मतलब इसको पकाया जाता था। लेकिन कहता है क्या, ईंट की जो क्वालिटी देखने के लिए मिलता है हमको, मिस्र की तुलना लेते हैं हम लोग, मिस्र और मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। तो देखिए मिस्र में क्या था और मेसोपोटामिया में क्या हुआ था, कहता है कि इन दोनों की जगह में जो है ना, कहीं कहीं देखने के लिए मिला है कि ये जो थे ये धूप में पकाते थे, धूप में पका हुआ ईंटा का प्रयोग करते थे। ये तो कभी कभी क्या होता था, पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे, लेकिन बहुत कम, काफी कम मात्रा में जो है मेसोपोटामिया में होता था। लेकिन इधर ये लोग अधिकतर धूप के पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे। लेकिन हमारे ये जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, और इसकी जो अनुपात होती थी 4:2:1, यानी कि 4:2:1 के रेशियो से जो है उस समय जो है यहाँ की क्या होती थी, ईंट बनाई जाती थी। इसी ईंट का प्रयोग ये लोग हड़प्पा सभ्यता के वासी घर मकान बनाने में क्या करते थे। तो ईंट भी क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नगरीय सभ्यता, नगर को स्थापित करने में। नेक्स्ट जो है ईंट के बाद, ये मेरा चौथा था। अब पांचवा जो हम लोग देखते हैं अन्नागार, अन्नागार के बारे में, मतलब अन्न रखने के, अन्न का घर, अन्न का घर। अब देखिए चूंकि क्या होता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, जब आर्थिक प्रक्रिया पढ़ेंगे, आर्थिक कारण, तो आर्थिक में पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अन्नागार के बारे में, मतलब अन्न, अन्न मतलब अनाज, तो अनाज का घर भी वहां पे बनाया जाता था, जिसको आज हम लोग गोदाम के नाम से जानते हैं। चलिए गोदाम इसको, तो ये बना दिया जाता था। क्यों, क्योंकि ताकि हम लोग फसल जो उपजाएंगे, उपजाने के बाद क्या होगा, उसको घर में लाके कहाँ रखेंगे, तो उस समय कोठी का प्रयोग किया जाता था, कोठी बोला जाता था उसको। तो कोठी जो बोला जाता था, कहता है क्या, हड़प्पा सभ्यता में निकला हुआ पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ है, छह के कतारों में क्या मिला है उसको, कोठी मिला हुआ है, छह के कतार में कोठी मिला हुआ है, यानी कि 6×6=12 हो गया। और ये घर जो मिला हुआ है देखिए इस प्रकार से था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर लिख देता हूँ, और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब जो है ये एक रास्ता था। तो अब क्या होता था, इसमें नीचे में भी ईंट बिछा दिया जाता ताकि इसमें क्या हो, हवा आए जाए, और जो है ना कोठी खराब हो ना अनाज खराब हो। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, अन्नागार भी जो है वहां पे क्या थी, उच्च क्वालिटी की बनी हुई थी। तो चलिए आज हम लोग ये देखे सड़क व्यवस्था, देखे दो नंबर में जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली, तीन नंबर पे स्नानागार, चार नंबर पे ईंट, पांच नंबर पे अन्नागार। तो देखिए इन सबों से जो है कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो काफी अच्छा था, काफी उच्च कोटि का था। तो उच्च कोटि के रहने के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना गया। तो चलिए आज हम लोग देखें क्या, नगर नियोजन पूरा हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे जो है किसी भी सभ्यता के लिए जो तीन चीजें होती है, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, ये तीन जीवनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैं यहीं तक रखता हूँ, और जो जो इस चैनल में न्यू है वो कृपया करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि क्या होता है कि इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, और इससे क्या होता है जब हौसला बढ़ती है तो क्वालिटी भी चेंज होती है। जैसे अभी क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ क्वालिटी है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सपोर्ट मिलता रहा तो मैं इसको और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो वॉइस के क्षेत्र में हो, वीडियो हो, या फिर विभिन्न प्रकार के अन्य वीडियो, पढ़ाई के अलावा भी मैं प्रयास करूंगा कि अन्य वीडियो भी डालूं जो करंट से संबंधित हो, करंट में जो घटना घट रही है हमारी दुनिया में
उसके बारे में, खास करके भारत के बारे में देखेंगे कौन कौन सी घटना घटती है। तो धीरे धीरे मैं जो हूँ इसमें प्रोग्रेस जैसे जैसे होते जाएगी, मैं भी अपना क्वालिटी तकनीकी के माध्यम से क्या करते जाऊंगा, इसे उन्नत बनाते जाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए जो है थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। और ये चैनल भी आपको क्या करेगी, कोशिश करते रहेगी कि अधिक से अधिक आपका मनोरंजन रहे करा सके, और साथ में यहाँ से आपको शिक्षा भी हासिल हो सके। चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।